अमिताभ बच्चन जो है वो भी योगा करते हैं और आज भी जवान लगते हैं, कितने फिट है वो। और बाकी भी फिल्म एक्ट्रेस जो है वो भी योगा करते हैं और टीवी में ऐड भी आती है कि हमें योगा करना चाहिए, इसलिए मैं सबको कहूंगी कि सब योगा करो, बुढ़ापे में भी जवान लगोगे। इंटरनेशनल योगा डे, 8th इंटरनेशनल योगा डे जो है आज मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में जो है मनाया जा रहा है। और बात करें डोडा को लेके, तो डोडा के हर एक जगह पे जो है इंटरनेशनल योगा डे जो है मनाया गया। अभी हम ठीक डोडा के डिग्री कॉलेज में हैं और डिग्री कॉलेज में भी जो है योगा डे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये तस्वीरें हैं, बहुत सारे बच्चे चाहे वो NCC के हैं, उसके अलावा अदर बच्चे, स्टाफ जितना भी है, प्रिंसिपल सब जो है यहाँ पर योगा डे में सेलिब्रेट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और पिछले आधे एक घंटे से कंटिन्यू जो है योगा डे में जो है पार्टिसिपेट किया हुआ है और कंटिन्यू यहाँ पर योगा कर रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि योगा कंटिन्यू। और योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है, योगा जो है हमारी फिजिकल फिटनेस को, मेंटली जो है हमें बिल्कुल फिट रखता है और कहीं ना कहीं जो हमारा स्ट्रेस है स्ट्रेस को भी ख़त्म करता है। और बहुत सारे बच्चों से भी हम बातचीत कर रहे थे, उनका साफ साफ कहना है कि योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें चाहिए कि सुबह उठ के योगा करें, शाम को सोने से पहले योगा करें, क्योंकि योगा से जो हम फिजिकली फिट भी रहते हैं। और उसके अलावा जो अभी आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि यहाँ पर योगा कराया गया, चाहे डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हो, वार्ड मेंबर्स हो, कॉलेज का स्टाफ हो, जितने भी यहाँ पर मौजूद थे बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पर योगा किया। और बच्चों से भी हमने बातचीत की, स्टाफ से भी हमने बातचीत की, आखिर योगा जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, योगा डे जो है क्यों मनाया जाता है और योगा से क्या कुछ फ़ायदे हैं, तो इन्हीं से हमने बात की। तो आइए इनकी बात जो है आप तक भी पहुंचाते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना जो है इंटरनेशनल योगा डे पे इन बच्चों का है, इन स्टाफ का है। मेरा नाम रिंकू सुमड़िया है। तो रिंकू, आपसे जानना चाहूँगा इंटरनेशनल योगा डे को लेके आज मनाया गया, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो इस बारे में ये कहना है कि जो योगा डे होता है वो हर एक के लिए अच्छा होता है, हर एक को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं कि हम जो है एक ही दिन में जब योगा डे आता उसी दिन हमने एक्सरसाइज करनी है, उसी दिन योगा करना, बट कंटिन्यू हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, कंटिन्यू हमने योगा करना है, तब जाकर हम फिट रह सकते हैं, फिजिकली फिट रह सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि जब योगा डे साल में एक बार आता तो हमने उसी दिन करना, तो लेकिन ये इम्पॉसिबल है, तब हम फिट नहीं रह सकते। अगर हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्ज़ाम होता है, अगर हमारा एग्ज़ाम आता है तो अगर हम एग्ज़ाम के लिए एक ही दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए यही योगा की बात है कि अगर हमें डिजीज़ को दूर भगाना है, अगर हमें क्या बोलते हैं फिजिकली फिट रहना है, तो हमें इसलिए कंटिन्यू लाइफ में कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए। बात करें योगा डे के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो है कंटिन्यू योगा करते हैं और अब उसको उनको फॉलो करते करते अब बहुत सारे लोग जो है योगा करने लगे हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? उस बारे में मेरा ये कहना है कि आप प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो योगा जो हमारे कंट्री में है, उनके आने से योगा की जो अहमियत है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है। तो तब से जो है हर एक, मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिस्ट्रिक्ट में, कंट्री में, लेकिन हर एक जगह पर योगा जो है उतना भी नहीं करते, क्योंकि विलेजेस में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोगों को योगा का पता नहीं, एक्सरसाइज का पता नहीं उतना, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा सभी सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे सीखेंगे। अगर हम बच्चे हैं, हम अगर किसी जगह करते हैं, स्कूल में, कॉलेज में करते हैं, अगर हम गांव में जाएंगे, अपनों को जो अपने होंगे या गांव के सोसाइटी में जो भी लोग होंगे, हम उनको योगा के बारे में बताएंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, और अगर हम में कुछ आता है, बदलाव, चेंजेस आती है, तो वो भी सोचेंगे कि क्यों ये कोई अच्छी चीज़ है, तो वो भी उसमें ज़्यादा। क्या रहेगा मेरा मैसेज? यही रहेगा सबके लिए, यही रहेगा कि देखो जो भी आप बोलते हो, कोई शर्माता है कि हम ये एक्सरसाइज ना करें, कोई लड़की हो, लड़का हो, कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करो, अच्छे से पार्टिसिपेट करो, क्योंकि लाइफ का जो मैन मोटो यही है कि हमें हर एक फील्ड में जाना चाहिए, हर एक फील्ड में आगे रहना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मुकीबा से, मुकीबा, आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल 8th इंटरनेशनल योगा डे आज मनाया गया, तो आपने भी यहाँ पर योगा किया, तो योगा कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। योगा बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी डेली लाइफ में योगा बहुत ज़रूरी है, योगा से हम फिट रह सकते हैं और योगा करना चाहिए। योगा करना चाहिए, तो क्या आप डेली लाइफ में योगा करते हैं? जी। अच्छा, करते हैं आप, तो क्या मैसेज आपका रहेगा हमारे दर्शकों का? मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब योगा करें, योगा से हम फिट रहते हैं। तो और भी बच्चे, आपका नाम? अंजुमारा। तो आपसे जानना चाहूँगा योगा डे को लेके कि आज आपने योगा डे यहाँ पर मनाया, तो इस बारे में हमारे दर्शकों को भी आप बताएं। सर, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें योगा करना चाहिए, उससे इंसान फिट रहता है, इंसान फिट रहता है।
लगता है। अमिताभ बच्चन जो है वो भी योगा करते हैं और आज भी जवान लगते हैं, कितने फिट है वो। और बाकी भी फिल्म एक्ट्रेस जो है वो भी योगा करते हैं और टीवी में एड भी आती है कि हमें योगा करना चाहिए, इसलिए मैं सबको कहूंगी कि सब योगा करो, बुढ़ापे में भी जवान लगोगे। तो उसके अलावा योगा डे के इस मौके पे देखा गया कि बच्चे जो है जो योगा कर भी रहे थे उसके बाद हंसाया भी गया बच्चों को, योगा का एक पार्ट है हंसना भी, तो उस पार्ट को लेकर आपका क्या कहना है? मैं कहती हूँ हंसना भी चाहिए, हंसने से क्या होता है एक मतलब खुशी भी मिलती है और हमारे सेहत के लिए भी हंसना ठीक है। और सोनम जाल, सोनम आपसे जानना चाहूँगा कि योगा डे को लेकर आज योगा डे मनाया जा रहा है, इंटरनेशनल योगा डे, तो योगा जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए बड़ों के लिए? ये योगा जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, हर एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो कि आज 21 जून है और यहाँ पे हम अपने कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में ये बना रहे हैं योगा डे, लेकिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, अभी सब लोग लगे हुए हैं। और इसके आगे क्या बोलूँ, आपसे ये जानना चाहूँगा कि खाली इंटरनेशनल योगा डे के दिन ही जो है आप योगा करते हैं या उसके अलावा भी फर्दर जो बहुत सारे दिन होते हैं उनमें भी आप योगा की प्रैक्टिस घर में चाहे बाहर कहीं भी करते हैं? ये योगा तो हमें हर रोज़ करनी चाहिए, डेली मतलब कि होनी चाहिए, सुबह शाम दो टाइम तो होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो करती हूँ थोड़ा बहुत डेली, ट्राई करती हूँ मैं योगा को। तो क्यों आखिर योगा जो है इम्पोर्टेंट क्यों है? इससे हमारी जो जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम हर एक चीज़ बहुत ठीक रहती है, मेंटेन रहती है, इसलिए हमें ये करना चाहिए डेली लाइफ में। आपका नाम? मेरा नाम कशिश ठाकुर। तो योगा डे के बारे में बताया थोड़ा? योगा डे जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जो मतलब कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो गांव से बाहर ही रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए क्योंकि योगा से जो है हमारी जितनी भी डिजीज़ हैं और भी कई सारी जो बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो सकती है। क्योंकि जैसे हम अनुलोम विलोम अगर बताया जाए कि जो अनुलोम विलोम जो हम मतलब कि आसन है अगर उससे करें तो उससे जो है हमारी जो ब्रेन की जो डिजीज़ है वो भी ख़त्म हो जाती हैं और ब्रेन के लेके जो हमारी मतलब कि जो स्टडी के रिलेटेड जो चीज़ें हैं जैसे हमारा ब्रेन जो है वो काम करता है हमारी हमारी याददाश्त को लाने में वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है। हाँ मैसेज यही देना चाहेंगे कि अगर मॉर्निंग में हम रोज़ का अगर आधा घंटा भी अगर ये जो योग है वो करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। डॉक्टर अर्जुन सिंह, तो सर आपसे जानना चाहूँगा आज इंटरनेशनल योगा डे है तो इंटरनेशनल योगा डे के इस मौके पे जो है आज डिग्री कॉलेज डोडा में जो है योगा कराया जा रहा है बच्चों को खासतौर पे, तो आपसे जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल योगा डे को लेके और योगा क्यों इम्पोर्टेंट है इस सब को लेके हमारे दर्शकों तक भी आप थोड़ा मैसेज पहुँचाएँ। देखिए योगा इज़ अ बोन हैविंग प्लेथोरा ऑफ एमिनिटीज, योगा जो है एक इंक्लूडेड आसन्स प्राणायाम्स और फिर मेडिटेशन टेक्निक्स डिफरेंट कंपोनेंट्स है इसके, तो everyone should perform yogic activity half an hour daily to remain fit or to remain free from diseases. It's very important that we should have an half an hour activity regularly. Yoga said there is development of personality. Irrespective of any caste, religion, we should perform this activity. और yoga से देखिए strength improve रहती है, endurance improve रहती है, आपकी flexibility improve रहती है आपकी, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट्स में जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय परफॉर्मिंग योगा इन स्पाइट ऑफ दिस। इसे आपसे ये जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल योगा डे के इस मौके पे ही क्यों जो है योगा बच्चों का खासतौर पर कराया जा रहा है, डेली रूटीन में क्यों जो है योगा बच्चों को नहीं कराया जा रहा? देखिए गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स है दैट वी शुड परफॉर्म एक्टिविटी डेली बेसिस, दे आर जस्ट कंपेनिंग दिस फ्रॉम लास्ट एडवर्टाइजमेंट में भी बता रहे हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करा रहे हैं, वो बता रहे हैं वी शुड परफॉर्म योगा एक्टिविटी रेगुलरली एटलीस्ट हाफ एन आवर टू रिमेन हेल्दी एंड फिट। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस, वी शुड ऑल्सो दिस, हमें भी लोगों के जाके में इसको जो है प्रोत्साहन लोगों को देना चाहिए ताकि लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें और दे शुड नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से इसकी इम्पॉर्टेंस है, अभी फिजिकल एस्पेक्ट से इसकी इम्पॉर्टेंस है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से इसकी इम्पॉर्टेंस है। तो योगा के बेनिफिट जो है लोगों को दे शुड नो दिस और इनको परफॉर्म करते रहना चाहिए उनको रेगुलरली। सर देखा ये भी जा रहा है कि योगा डे के इस मौके पे योगा तो कराया जा रहा है लेकिन साथ में बच्चों को हंसाया भी जा रहा है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज इस पर कराई जा रही है, इस बारे में आपका क्या? दिस इज़ वन ऑफ द लाफिंग टेक्निक, ये रहती है इसमें हमारे जो माउथ के जो मसल्स रहते हैं दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर डैट, तो लाफिंग इज़ ए थेरेपी, इससे एक हार्मोन्स जो हमारी बॉडी के इफोरिया एक क्रिएट रहता है वो हमारी बॉडी से एंडोर्फिन्स हार्मोन्स कुछ रिलीज होते हैं उससे हमारी बॉडी में एक जॉयनेस एक हैप्पीनेस ऐसी आती है, दिस इज़ फॉर डैट पर्पज़।